Okay, let's start the next chapter of the physics class 11, that is kinetic theory. अब पहली बात तो ये काइनेटिक्स, उनको हमें एक ही फॉर्मूला याद आता है कि हाफ एम ई स्क्वायर है ना। ये चैप्टर का मेन हार्ट क्या है, ये चैप्टर का हार्ट है कि अभी तक आपने जो गैसियस सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक सीखा था, थर्मोडायनेमिक में आपने ऐसा कहा था कि थर्मोडायनेमिक इज अ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, मीन्स इन थर्मोडायनेमिक यू ओनली स्टडी अबाउट द बल्क प्रॉपर्टीज, इन थर्मोडायनेमिक्स यू स्टडी अबाउट द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारे प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, दिस ऑल आर द बल्क प्रॉपर्टीज, राइट। ये सारे प्रॉपर्टीज पूरे बल्क के लिए आपको इजीली मिल जाते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशंस। ये चैप्टर का हार्ट है कि ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये सब क्यों बन रहा है, इंटरनल एनर्जी क्यों है, तो इन सबके पीछे का रीजन है मोशन ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पार्टिकल्स, राइट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल, नाउ यू आर डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक डोमेन, बिकॉज नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल्स मोशन, राइट। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर काइनेटिक थियरी इज गोइंग टू रिलेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन को आपस में जोड़ने वाला चैप्टर है काइनेटिक थियरी, और यहां पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि गैसेस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करते हैं, गैसेस के पास इंटरनल एनर्जी क्यों होती है, गैसेस टेम्परेचर क्यों एग्जर्ट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। चलिए देखते हैं पहले स्लाइड में क्या आता है, थियरी आ रही है कुछ, चलो। काइनेटिक थियरी एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन व्हाट द बिहेवियर ऑफ द गैस based on the idea that the gas consists of rapidly moving atoms or molecules. You know that gas contains large number of molecules which are continuously in motion, right? So we are going to study the property of the gas based on that motion. The interatomic forces which are very short range, that are important for solid and liquids, which are neglected for the gases. राइट, जो पार्टिकल के बीच के फोर्सेस होते हैं, आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, राइट। तो ये जो सारे फोर्सेस है, ये सारे फोर्सेस होते हैं शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज देन ओनली दिस फोर्सेस आर ऑपरेटिव। अब गैस में तो क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस काइनेटिक थियरी वॉज डेवलप बाय मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अदर्स। चलो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि दिस थियरी गिव्स मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। प्रेशर और टेम्परेचर का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे रीजन है ना, दिस इज व्हाट एक्सप्लेन बाय दिस थियरी, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेशर एंड temperature of the gas, and this is also consistent with the gas laws, Boyle, Charles, Galusek, right? वो सब actually macroscopic property के लिए होता है, that pressure is inversely proportional to volume, pressure proportional to temperature, right? तो ये सारे जो है वो उसके अगर हमने खाली macroscopic property को use किया था, और जब आप microscopic level पे भी जाओगे ना तब भी ये सारे laws obey होने वाले हैं, okay? So this is consistent with the all the gas law as well as Avogadro's hypothesis. It also explained the specific heats and specific heat capacity of many gases. It also relates measurable properties of the gases such as viscosity, conduction and diffusion with the molecular parameter yielding estimates of the molecular sizes and masses. तो ये थोड़ा सा basic introduction है कि इस chapter के अंदर हमें सीखना क्या है और करना क्या है, पढ़ना क्या है, ओके फाइन। चलिए अब पहले थियरी की तरफ चलते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मैटर। अब बेटा ये सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा था कि कोई भी मैटर किसका बना होता है, एटम्स का, है ना। और डाल्टन ने तो क्या कहा था, एटम्स आर इनडिविजिबल, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो बात पीछे से पता चला कि एटम का खुद का भी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट, ओके। सो एज पर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या कहता है,
एटॉमिक हाइपोथेसिस कहता है कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, दीज आर द लिटिल पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड इन परपेचुअल मोशन अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन दे आर लिटिल डिस्टेंस अपार्ट बट रिपेलिंग अपॉन बीइंग स्क्वीज्ड इनटू वन अनदर. So everything is made up of a little little particle जिसको हम क्या कहते हैं, atoms कहते हैं. These atoms are continuously in motion, right? And when the atoms are away from each other, they will attract. And when the atom comes very close, they will start repelling, right? जब atom बहुत दूर होंगे एक दूसरे से तो attract करेंगे. जब atom एकदम पास में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? Repel करेंगे. चलो, who proposed this? Dalton. चलो अब आपके तीन लॉज आप नाइन से पढ़ते आ रहे हो. लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन याद है आपको? पहले स्टार्टिंग केमिस्ट्री आपने यहीं से किया था, केमिस्ट्री की शुरुआत. एनी गिवन कंपाउंड हैज फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. किसी भी कंपाउंड के अंदर जो जो भी एलिमेंट होते हैं उन सबका मास प्रोपोर्शन कैसा होता है? फिक्स ही होता है, राइट? सेकेंड कौन सा आता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? याद है आपको ये? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर. ओह, चैप्टर नंबर वन केमिस्ट्री, किस जमाने की बात है ये? व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन फॉर अ फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट द मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स, है ना? चलो थर्ड लॉ कौन सा था? गैलियुसेक लॉ, याद है गैलियुसेक लॉ? व्हेन द गैसेस कंबाइन देयर वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर. जब गैसेस कंबाइन होते हैं ना तो गैसेस का वॉल्यूम हमेशा कैसा होता है? सिंपल होल नंबर में होता है. चेक इट आउट, व्हेन गैसेस कंबाइन केमिकली टू यील्ड अनदर गैस देयर वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स. व्हेन द गैसेस कंबाइन टू फॉर्म द गैस their volumes are always in the ratio of small integers, right? Last one याद है? Avogadro's law. हाँ, at equal temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of particles or molecules, कह लो, right? See, equal volume of all the gases at equal temperature and pressure, they all will have the same number of molecules. तो ये तुम्हारे पहले first chapter की chemistry है. Definite proportion, multiple proportion, Galois-Seck law and Avogadro's law. चलो आगे चलते हैं. ये सब आता है किसके अंदर? Molecular nature of matter. That means everything is made up of a small small particles, atom. Atoms are moving randomly, and atoms are attracting when they are far away, and atom will repel when they are very close. Okay. चलो आगे चलते हैं. नाउ कम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. ये वर्ड भी आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में सीखा था. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, बोथ ऑफ दिस इनेबल अस टू सी द इलेक्ट्रॉन. इन दोनों की मदद से आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हो. ओके, चलो. व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? इट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^-10 मीटर. ये सब ऐसा बेसिक है जो मैं चाहता तो नहीं करा था, बट एक एक मार्क के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इट इन योर नोट्स, राइट? एवरेज डिस्टेंस, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है. इसे कहते हैं मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ ये सबसे लास्ट में आएगा थियोरी में. एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा तो टकराएगा आपस में एक दूसरे के साथ, राइट? तो दो टक्कर के बीच में वो जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ना उसे कहेंगे मीन फ्री पाथ, राइट? दो टक्कर के बीच में जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. सबसे लास्ट में टॉपिक आता है चैप्टर में. चलो, इंटर एटॉमिक फोर्सेस दे हैव अ लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन. इंटर एटॉमिक फोर्सेस में लॉन्ग रेंज मतलब दूर होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन. और पास आ जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन. चलो, एटम्स विल अट्रैक्ट व्हेन दे आर फ्यू एंगस्ट्रॉन्ग when they are at a few angstrom, but they will repel when they will come closer. The gas is full of activity and there is equilibrium which is dynamic in nature. In dynamic equilibrium, molecule will collide, they will change their speeds during the collision, only the average property remains constant.
गैस पार्टिकल ना रैंडमली मूवमेंट कर रहे इधर उधर, आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वॉल के साथ जाके टकराएंगे, एंड एज सून एज दे विल कोलाइड देयर वेलोसिटी विल चेंज राइट। तो मोलिक्यूलर लेवल के ऊपर तो बहुत ज्यादा हरकतें हो रही है, बट आपको ओवरऑल क्वांटिटी में कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल में सबका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से। बट अगर आप मोलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो गैस तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन, कोलाइडिंग विथ ईच अदर, चेंजिंग द मोमेंटम, चेंजिंग द वेलोसिटी एंड ऑल दैट थिंग्स, इज इट क्लियर। चलो तब इसी डिटेल में ज्यादा जाना है आपको, बिहेवियर ऑफ गैस क्या ही बताया तुमको, गैसीय स्टेट सुना है आपने, पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना है आपने, है यही है। चलो चेक इट आउट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, नाउ वी नो दैट इन अ गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इंटर म्यूचुअल इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल। गैस में मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार फ्रॉम ईच अदर, तो इसीलिए उनका जो भी इंटरेक्शन होगा उसको क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट करेंगे राइट। एक्सेप्ट व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड, जब कोलाइड होंगे तब तो अट्रैक्शन होगा, बट जब दूर होंगे एक दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, यू नो गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू केटी, नहीं एनआरटी नहीं, केटी, ये तुम्हारा कंबाइंड गैस इक्वेशन है, यू नो पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू, इट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन वेर पीवी इज इक्वल टू केटी, और ये जो कैपिटल के है ना दैट कॉन्स्टेंट इज एन इंटू केबी, ये भी तुम्हारे पल्ले पड़ चुका है अभी तक। केबी, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कितना वैल्यू होता है, है जाबे क्या 5.6 है, स्टीफन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, वो हेमंत खुद बोल रहा है और इसको पॉइंट कर रहा है तो बोला था तू ना, तो फिर चलो। सो बेटा यहां पे जो कांस्टेंट है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। सो दे आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला पीवी इक्वल टू कैपिटल के टी, वेर दिस कैपिटल के इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू केबी। कैपिटल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स कह लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, एंड केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। चलो सी दिस, कैपिटल के इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन सैंपल, बट दिस कैपिटल के वेरीज, कैपिटल के वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यू कैन सी कैपिटल के, कैपिटल के इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां जो एक और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा दैट इज के बी। बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, कैपिटल के इन दिस इक्वेशन डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट। चलो अब कौन आता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वापस आया, अभी तो आके गया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल द गैसेस विच आर एट द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे हर एक गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कैसा रहता है, सेम रहता है राइट। चलो अब ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन याद है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। अब इसके हम अलग अलग फॉर्म बनाएंगे अभी राइट। उसमें ये जो आपका आर है ना, दिस आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू एन ए इंटू के बी, और यू रिमेंबर हियर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई एवोगैड्रो। बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के बी इज इक्वल टू आर बाई एन ए, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के बी इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एन ए होता है राइट। ओके ध्यान देना। चलो इसके अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, वी कैन राइट हियर पीवी इक्वल टू म्यू, क्या होता है, कीप इट एज इट इज, कीप म्यू एज इट इज। आर की जगह क्या लिखेंगे हम, एन ए इंटू के बी इंटू टी, दिख रहा है बराबर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज म्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर,
क्या यहाँ पे एन ए इंटू के बी इंटू टी एन एन ए कट, तो आपका केबी के फॉर्म में इक्वेशन क्या बना, केबी के फॉर्म में आइडियल गैस इक्वेशन बनता है पीवी इक्वल टू एन के बी टी। केबी के फॉर्म में आइडियल गैस इक्वेशन क्या बना आपका, पीवी इक्वल टू कैपिटल एन के बी टी। कैन यू से दिस, क्या किया हमने, मोल की जगह क्या रखा, मोल की जगह क्या रखा एन बाई एन ए राइट, और आर की जगह क्या रखा एन ए इंटू के बी, एन एन क्या हो गया कैंसल, तो बचा क्या पीवी इक्वल टू एन के बी टी। अग्री, चलो एक और फॉर्म में लाते हैं इक्वेशन को, डू आई हैव अनदर स्लाइड, नो, चलो एक और फॉर्म में लाते हैं, वी को नीचे डिवाइड करो, अगर आप वी को नीचे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एन के बी टी बाई वी। अब ये जो टर्म है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम पूरे चैप्टर में कहेंगे स्मॉल एन, क्या कहेंगे इसको हम, स्मॉल एन, एंड इट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, व्हाट इज इट कॉल्ड, नंबर डेंसिटी, दैट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी, वेयर स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी, स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी राइट। एक और फॉर्म में इक्वेशन हो जाए, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, अब बेटा तुम तो चैंपियन होंगे ना मोल कंसेप्ट में, तो म्यू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, ओ मास बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, पी इक्वल टू डेंसिटी रो आर टी बाय एम। एक और फॉर्म में आ गया ये आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये सारे के सारे ना आइडियल गैस के अलग 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 फॉर्म्स है, फर्स्ट इज पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, सेकंड इज पीवी इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी, पीवी इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी, प्रेशर पी इक्वल टू स्मॉल एन केबीटी राइट, एंड पी इक्वल टू डी आर टी बाई एम, तो ये सारे के सारे आइडियल गैस के अलग अलग फॉर्म्स है। इज इट क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट, अब ये बारी आ गई रियल गैस की, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि आइडियल गैस एक सिर्फ कंसेप्ट होता है, वान डर वाल्स ने बहुत अच्छे से समझाया था, याद है आपको वान डर वाल्स इक्वेशन आया था, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, डिराइव किया था आपने याद है, करेक्शन इन प्रेशर करेक्शन इन वॉल्यूम है ना। सो केमिस्ट्री में आप सीख के आए हो कि आइडियल गैसेस एक हाइपोथेसिस है खाली, रियल में कोई गैस कभी आइडियल बिहेव करता नहीं है, तो जरा देखते हैं कि किस तरह से रियल और आइडियल गैसेस के अंदर डेविएशन हो रहा है, चेक इट आउट। सो इफ यू टॉक अबाउट द आइडियल गैस, ये ग्राफ किसका, ये ग्राफ है पीवी बाई म्यूटी वर्सेज पी, क्या ग्राफ है ये, पीवी बाई म्यूटी वर्सेज पी, सो वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द इक्वेशन, पीवी इक्वल टू क्या होता है म्यू आर टी है ना, तो पीवी बाई म्यूटी शुड बी इक्वल टू आर, मतलब ये वैल्यू कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट, बट ये कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, खाली आइडियल गैस के लिए। तो आप देखो ये जो एक लाइन है ना आपका कॉन्स्टेंट वाला, ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, बट केमिस्ट्री में भी ऐसा ग्राफ था याद है, कुछ ग्राफ ऐसे डायरेक्ट ऊपर गए थे और कुछ ऐसे गए थे याद है, बहुत याद करवाना पड़ता है तुम्हें सब। चलो ओके, सो रियल गैसेस के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डेविएशन होगा, देखो T3 टेम्परेचर पे, T3 इज द लोवेस्ट टेम्परेचर आउट ऑफ द थ्री, तो कितना बड़ा डेविएशन है देखो तो सही, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओ एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा डेविएशन कम हुआ, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओ डेविएशन और थोड़ा कम हुआ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द गैसेस बिहेव आइडियली एट हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ना उतने गैसेस आइडियल बिहेवियर के पास जाएंगे, जाएंगे कि नहीं, जितना टेम्परेचर कम है उतना आइडियल से बहुत दूर है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे 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 आइडियल के पास जाएंगे राइट। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस ग्राफ, गैसेस बिहेव, रियल गैसेस अप्रोचेस आइडियल गैस बिहेवियर एट अ लो प्रेशर एंड एट अ हाई टेम्परेचर राइट। लो प्रेशर क्यों, अब यहां पे देखो इस रीजन में देखो लो प्रेशर वाले रीजन में, व्हाट यू कैन सी ग्राफ बहुत पास पास में, प्रेशर बढ़ते ही
डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और हाई प्रेशर पे तो गैस ग्राफ आगे आगे एकदम राइट। तो दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट गैसेज बिहेव आइडियली, रियल गैसेज बिहेव आइडियली, दे विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर, एक्चुअल आइडियल तो होने नहीं है बट दे विल अप्रोच इज द आइडियल बिहेवियर एट द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट सी दिस, व्हाट यू सी इन दिस ग्राफ, दिस ग्राफ इज ऑफ पी वर्सेस वी, पी वर्सेस वी कौन किसने बनाया था ग्राफ, पी वर्सेस वी बॉयज लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो आइडियल ग्राफ आपके सारे ऐसे होते हैं ना बॉयज लॉ के, इट शुड बी लाइक दिस, है ना। लेट्स से इट इज अ टेम्परेचर टी वन, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा, ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, याद है आपको, और टेम्परेचर बढ़ाओ ग्राफ और ऊपर जाएगा राइट। बट ये तो सारी किसकी बात है, फॉर द आइडियल, रियल में क्या होता है वो देखो। यहाँ पे टेम्परेचर उल्टे दिए इन लोगों ने, मतलब यहाँ पे टी वन सबसे हाई है, हमने टी वन सबसे लो किया है राइट। चलो मैं भी इसके साथ थोड़ा मैच हो जाए उस तरह कुछ कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा फिर। चलो राइट, तो ये जो सारे डॉटेड लाइन आपको दिख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन सारे आइडियल बिहेवियर है। डॉटेड लाइन कौन सा बिहेवियर है, आइडियल। और जो सॉलिड लाइन है वो कैसा बिहेवियर है, रियल बिहेवियर है गैस का। अब आप जरा देखो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर कम है ना, चेक इट आउट, T3 टेम्परेचर का ग्राफ देखो, ये रियल का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, पी वर्सेस वी, हाँ रियल का ग्राफ ये रहा डॉटेड, सॉरी ये रहा सॉलिड लाइन, और आइडियल का ग्राफ ये रहा डॉटेड लाइन, देखो कितना दूर है। तुम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के तो एक्सपेरिमेंट करो, देखो टेम्परेचर T2 करने से ग्राफ थोड़ा आगे आया, थोड़ा आइडियल के पास आया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओ, देखो और टेम्परेचर बढ़ाने से अब ग्राफ आपका ऐसा हो गया, अब मतलब अभी थोड़ा सा पास आ रहा है आइडियल बिहेवियर के, देख रहे हो। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका ग्राफ कैसा होता जाएगा, आइडियल के पास आता जाएगा राइट। सी दिस एक्सपेरिमेंट ऑन पीवी कर्व्स फॉर द स्टीम, स्टीम के लिए, किसके लिए ग्राफ है, तीनों स्टीम के लिए है। एट 3 टेम्परेचर कंपेयर्ड विद द बॉयज लॉ, पी इज इन यूनिट ऑफ 22 एटमोसफियर, वी इज इन यूनिट ऑफ 0.09, ऐसा कोई काम नहीं है राइट। यहाँ पे खाली आपका आउटकम क्या है, आउटकम ये है गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर, गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर। ओके चलो आगे चलते एक स्टेप और, ऑल द कर्व्स अप्रोच इज द आइडियल बिहेवियर फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्यों ऐसा भाई, बिकॉज दैट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और जब आप ये इंटरेक्शन को इग्नोर करोगे तभी गैस का बिहेवियर कैसा होता है, आइडियल होता है राइट। सो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड द मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल, विदाउट एनी इंटरेक्शन द गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। जानते हो इसको बॉयल चार्ल्स वैल्यू से, क्या होता है बॉयल, पी प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्या कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, कौन सा लॉ हो गया ये बॉयल, ठीक है चार्ल्स लॉ, वी प्रोपोर्शनल टू टी, क्या कांस्टेंट होता है प्रेशर, मैं इस पर ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा बिल्कुल भी राइट। एंड गैल्यू सेक, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्या कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, विच लॉ इज दिस गैल्यू सेक। ओके यू आर वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आए तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको, ठीक है आगे बढ़े yes. आगे बढ़ते चलो, इसको भी जानते हो डाल्टन, क्या कहते हैं डाल्टन, टोटल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब दिया है तो मैं क्या करूं, दिया है इसके अंदर सी, सो सम ऑफ मिक्सचर ऑफ, सम ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू, ठीक है सम ऑफ द मिक्सचर
या टोटल प्रेशर, क्या वापस लिखूं मैं पूरा ये? Yes. क्या? यस. चलो, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. चलो क्या लिखते हैं हम? पी टोटल इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस सो ऑन लाइक दिस, राइट? ओके, राइट, लिखते ना ऐसे. इसका आगे का रिजल्ट याद है आपको? इसका आगे का रिजल्ट याद है आपको? पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पी आई इज गिवन एस मोल ऑफ गैस आई डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू क्या करते हैं? टोटल प्रेशर. इस टर्म को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं ना. यू रिटन लाइक दिस, प्रेशर ऑफ गैस आई इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आई इनटू टोटल प्रेशर. ओके, ठीक है ना. चलो आगे, ये ग्राफ क्या है? इस ग्राफ इज ऑफ टी वर्सेस वी. टी वर्सेस वी मतलब कौन सा ग्राफ? चार्ल्स लॉ. टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. सारे लाइन कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे आइडियल, आइडियल में, राइट? और जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. अब देखो, P1 इज द हाईएस्ट प्रेशर, देख लो. जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ग्राफ ऊपर जाएगा. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जब आपका ग्राफ लो प्रेशर पे, रियल ग्राफ, सॉलिड लाइन वाला, लो प्रेशर पे देखो डेविएशन ज्यादा है. थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, डेविएशन कम हुआ, राइट? थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया, गड़बड़ हो रहा है इसके अंदर. क्या गड़बड़ हो रहा है? गैस शुड बिहेव आइडियली एट द लो प्रेशर ना. गैस शुड बिहेव आइडियली एट द लो प्रेशर. ओके, तो P1 इज द हाईएस्ट प्रेशर ना. ओके, कहां दिख रहा है आइडियल बिहेवियर आपको? व्हाट डू यू से? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जितना प्रेशर कम करोगे उतना ग्राफ आइडियल के पास आना चाहिए. हम थोड़ा उल्टा दिख रहा है, यहां पर थोड़ा उल्टा दिख रहा है, आप देख लो, राइट? सो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ. खाली इतना ही आप ध्यान रखो इस ग्राफ में से कि रियल और आइडियल बिहेवियर में यहां भी आपको डेविएशन मिलेगा. रियल बिहेवियर आर डॉटेड लाइन एंड आइडियल बिहेवियर आर दिस सॉलिड लाइंस. ओके, और अब देखो, जितना आप टेम्परेचर लो में हो ना उतना आपका डेविएशन ज्यादा है. चेक इट आउट, जितना आप लो टेम्परेचर में हो उतना डेविएशन बड़ा है. जितना आप हाई टेम्परेचर में जाओगे धीरे धीरे डेविएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट? तो गैसेस बिहेव आइडियली एट हाई टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर रीजन बढ़ रहा है ना दोनों लाइन आपस में पास आ रहे हैं, देख लो आप, दिख रहा है आपको? ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं. अब आया यहां पे काइनेटिक थियरी. अब हम जाएंगे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर और सबसे पहले हम समझेंगे कि गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं. Why do gases exert pressure? Right, तो बेटा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं मतलब फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया. सवाल ये, फोर्स कहां से आया? तो हमने पहले ही कहा था ना कि गैस पार्टिकल तो रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर. जब गैस पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट करेंगे तब जाके वो सिलेंडर के वॉल के साथ टकराएंगे. अगर वो सिलेंडर के वॉल के साथ टकराएंगे तो वहां से रिबाउंड होंगे, और अगर वो रिबाउंड होंगे तो उनका मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर. तो जैसे ही कोलिशन होगा वॉल के साथ पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा. अगर पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा मतलब पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा. जितना फोर्स पार्टिकल पे लगेगा उतना ही फोर्स वॉल पे भी लगेगा एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो अगर वॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है मतलब वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा. तो प्रेशर के पीछे का रीजन क्या है? प्रेशर के पीछे का रीजन है रैंडम मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल, एंड व्हेन दे कलाइड विद द पार्टिकल वॉल, व्हेन दे कलाइड विद द वॉल
there is a change in momentum which exert the force on the wall and that is responsible for the pressure. तो यहां से आपको पूरा समझना है कि किस तरह से कितने पार्टिकल टकराएंगे और वो प्रेशर को आप रिलेट करने वाले हो किसके साथ, ये मॉलिक्यूलर स्पीड के साथ. अब ये यहां पे जो स्पीड है ना vx vy vz, ये जो सारे स्पीड है ना वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी है? माइक्रोस्कोपिक, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल. तो ये सारे कैसे क्वांटिटी है? माइक्रोस्कोपिक. और प्रेशर कैसा क्वांटिटी होता है? मैक्रोस्कोपिक. तो अब आप यहां पे रिलेट करने जा रहे हो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ. चेक इट आउट, काइनेटिक थियरी ऑफ आइडियल गैस. बेटा आइडियल गैस का कौन सा थियरी? काइनेटिक थियरी. अभी तक आगे आपने जो भी काम किया ना, ये सब कुछ ये सब एक्सपेरिमेंटल था. अभी तक यहां पे काइनेटिक थियरी का कोई जिक्र नहीं था, कुछ भी नहीं. अब आप यही काइनेटिक थियरी की मदद से पूरा थियरी समझोगे आइडियल गैस का. ध्यान से देखते जाना, पहले तो प्रेशर समझना है आपको. काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? मॉलिक्यूलर पिक्चर. द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. दे कम क्लोज टू ईच अदर, एक्सपीरियंस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देयर वेलोसिटी चेंजेस एंड दैट इज समथिंग वी कॉल कोलिशन. पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली but when they come close to each other they will collide and as soon as they collide their velocity will change. samjhe yahan tak? samjhe yahan tak? particle takrane pe velocity badlegi. aage dekho, the molecule collide elastically. what do you mean by elastic collision? total kinetic energy will conserve. टक्कर के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होना है? कंजर्व होने वाला है. राइट, तो सारी कोलिजन कैसे इलास्टिक है? राइट राइट, अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑल्सो विद दी वॉल्स एंड चेंज देयर वेलोसिटी. चलो अब आ जाओ एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर. किसका एक्सप्रेशन लेना है आपको? प्रेशर का, बेस्ड ऑन काइनेटिक थियरी. प्रेशर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द काइनेटिक थियरी. चलो यहां पर डेरिवेशन आना है अच्छा खासा. लेट अस चेक इट आउट. कंसिडर द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विच आर इन रैंडम मोशन. They are colliding against one another and they are also colliding with the wall of the container. All the collisions are elastic. ये आपको लिखना है पहले कि गैस के मॉलिक्यूल कंसिडर करो, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं. मूवमेंट करने के करते वक्त वो आपस में टकराएंगे, वॉल के साथ टकराएंगे और सारी टक्कर कैसी होगी? इलास्टिक होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा. ये आपको लिखना है, फिर हम बात करेंगे वो एक मॉलिक्यूल के बारे में. राइट, कंसिडर. ओके, consider molecule of mass m having velocity, as you can see over there, vx vy vz, collide with wall and changes in velocity to minus vx vy and vz. So we are assuming that this particle is moving in x direction. We are assuming ke particle kis direction mein move ho raha hai? X direction mein. Aur takkar ke baad agar rebound hua to uska velocity vector kaisa ho jayega? Negative. Jaate waqt is taraf ja rahe hain, aate waqt is taraf aa rahe hain, to vector kaisa ho gaya yahan pe? Negative ho gaya. Right, chalo. Ha, Z. चलो ओके, तो हाउ मच चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस? सो वी राइट हियर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. बेटा व्हाट डू मीन बाय मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या है? माइनस वी एक्स. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vx. तो पार्टिकल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? 2m vx. y एंड z कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे. कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? अभी खाली x कंपोनेंट. तो पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? 2m vx. तो बॉल का मोमेंटम कितना चेंज होगा? प्लस 2m vx. को थोड़ा आगे जाकर बात करते हैं. ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहां से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ऐसा तो है ना गैस के अंदर एक ही पार्टिकल होगा,
क्या गैस के अंदर एक ही पार्टिकल होगा? ना भाई ना, बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना। अरे इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल जाके टकराने वाले है, इसका मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज होने वाला है, राइट? तो लेट्स अज्यूम कि डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने पार्टिकल जाके टकराएंगे बॉल के साथ। अब ध्यान से देखना पूरा कैलकुलेशन, अभी आपने एक पार्टिकल की बात करी है। सो वी राइट डाउन इन डेल्टा टी टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कलाइड विथ बॉल, कलाइड विथ बॉल। अब ध्यान से देखना मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं कितने टक्कर करेंगे बॉल के साथ। सो हम यहां पे यूज करेंगे नंबर डेंसिटी, राइट? सो इट इज नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वी। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? अब जरूरी थोड़ी है कि सारे पार्टिकल एक ही तरफ जाएंगे, आधे ऑपोजिट भी तो जाएंगे कि नहीं, आगे ना। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय टू। सारे पार्टिकल एक ही तरफ थोड़ी जाएंगे, आधे इस तरफ भी तो जाएंगे ना पहले, राइट? आधे जाएंगे वो भी जरूरी नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल केस कि आधे इस तरफ आधे उस तरफ, बाकी बच्चे सारे मेरे पीछे। देखा ना वो मूवी, देखा है सिपाहियो? आधे उस तरफ आधे इस तरफ, बाकी सारे मेरे पीछे। ओके ले चलता है, चलो क्या बाहुबली टू। अगर ध्यान यहां पे, तो मैंने टू डिवाइड क्यों किया? ए ओनली हाफ ऑफ पार्टिकल मूव्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ये बेटा खो मत जाना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टू। चलो सो वी गेट हियर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। लेंथ क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। लेंथ क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर जितने भी पार्टिकल वे इनटू डेल्टा टी रीजन में है, उसमें से आधे पार्टिकल इस वॉल के साथ टकराएंगे, आधे पार्टिकल इस वॉल के साथ टकराएंगे। डेल्टा टी टाइम में देखो, इसको अगर यहां टक्कर करने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है, तो इतने रीजन के अंदर, ओके सपोज यहां पे इसको टकराने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो इतने रीजन में जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे भी तो टकरा जाएंगे ना इससे पहले, उसके बाद ये टकराएगा। मतलब ये रीजन के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे बॉल के साथ टकराएंगे बिफोर दिस विल कोलाइड। अंडरस्टूड? अब जरूरी भी नहीं है कि सारे सारे इसी तरफ जाए, इसमें से आधे इस तरफ भी तो आ सकते हैं। आ रही कुछ बात समझ में, राइट? तो कंसेप्ट अब एक स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट थियरी, 3 मार्क में आता है। तो बी राइट यार, दिस मीन्स इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी टाइम हाफ ऑफ द पार्टिकल्स इन, हाफ ऑफ द पार्टिकल्स इन रीजन ऑफ लेंथ वी एक्स इंटू डेल्टा टी कलाइड विद द वॉल। समझो बेटा? तो अब मुझे बताओ टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ? देयरफॉर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, टोटल मोमेंटम को हम लिखेंगे डेल्टा पी। एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना था? 2 mvx, नेगेटिव था ना, अभी मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, राइट? मैंने क्या लिखा? टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, वॉल नॉट द पार्टिकल, वॉल। पार्टिकल को कितना मोमेंटम मिला था? माइनस में मिला था ना, वॉल को उतना ही किसमें मिलेगा? प्लस में मिलेगा। ये तो एक पार्टिकल की वजह से मिला ना, ऐसे तो कितने पार्टिकल है, ये रहे सारे। सो इट्स इक्वल टू 2 mvx, और कितनी गैंग है? एन ए वी एक्स डेल्टा टी
डिवाइड बाय टू, टू टू कट राइट, ये डेल्टा टी को नीचे ले लो बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स. डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या होता है? फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स. तो टोटल फोर्स कितना आ गया? एम वी एक्स स्क्वायर. एन एम आएगा यहां पे, एन एम एन एम वी एक्स स्क्वायर इंटू ए. एरिया नीचे डिवाइड कर. चल तो व्हाट डू मीन बाय फोर्स अपन एरिया? प्रेशर. एरिया नीचे डिवाइड कर बेटा, ये क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया इज द प्रेशर. तो प्रेशर का एक रिलेशन मिला यहां पे, एन एम वी एक्स स्क्वायर. तो यहां पे आपने प्रेशर को रिलेट किया किसके साथ? वेलोसिटी के साथ. किसकी वेलोसिटी? पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ. आई कुछ बात समझ में? आई कुछ बात समझ में? ओके अभी यहां पे ये खत्म थोड़ी होता है, अभी तो ये थियरी यहां पे शुरू हुआ है. आगे देखो, चलो एक और स्टेप. नाउ तुम्हें कौन बोला ऐसा के पार्टिकल खाली एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेंगे? है पार्टिकल तो वाई में भी मूव करेंगे, पार्टिकल तो जेड में भी मूव करेंगे, उनकी मर्जी. अभी तो हमने खाली एक्स डायरेक्शन कंसिडर किया ना, तो पूरा वाई के लिए लिखेंगे. पूरा नहीं लिखना, इतना सारा नहीं करना है. वी राइट यंग कंसिडरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल थ्री डायरेक्शन. कंसिडरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल इन ऑल थ्री डायरेक्शन, तो बेटा हम जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना वी स्क्वायर, उसके अंदर तीनों कंपोनेंट को ले लेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. ऐसा करते हो ना आप वेक्टर में, अगर तीन कंपोनेंट है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. करते हैं ना ऐसे. अभी सारे पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं राइट, मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ले लो या वाई का वेलोसिटी ले लो या जेड का वेलोसिटी ले लो, सब कुछ सेम ही रहेगा. एज दे आर मूविंग रैंडमली तो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा? सेम ही होगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये भी वी एक्स, ये भी वी एक्स, ये भी वी एक्स, क्या हो जाएगा? ये थ्री टाइम्स वी एक्स स्क्वायर. तो जो आपको वी एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, ये कितना मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री. चलो आ जाए यहां पर रखते हैं इसको. वी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देना है आपको? वी स्क्वायर बाई थ्री. यहां पर आपका खेल खत्म हो जाता है. दैट्स वाई द प्रेशर P इक्वल टू एन एम वी स्क्वायर बाय थ्री. हमने वी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? वी स्क्वायर रख दिया. सो नाउ द फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दैट इज वन बाय थ्री एन एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर ये वी एम लिखा है, मतलब समझ जाने का कि ये एवरेज वेलोसिटी है. एवरेज मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. तो यहां पे बेटा आपने पहली बार अटेम्प्ट किया रिलेट करने का द प्रेशर विच इज विच क्वांटिटी माइक्रोस्कोपिक विद द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज माइक्रोस्कोपिक. अभी तक आपने यही कहा था थर्मोडायनेमिक्स में कि आपको खाली ना ओवरऑल प्रॉपर्टी की डिस्कशन करनी है, आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने का काम नहीं है. अभी यहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे ही जाना है, जहां पे आपने एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को दूसरे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के साथ रिलेट करके फॉर्मूला बना लिया, प्रेशर इक्वल टू वन बाई थ्री एन एम वी स्क्वायर. इज इट क्लियर? समझ आया यहां तक आपको? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते. बोलना भी मत आता तो कुछ भी. नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी इंटरप्रेट दी टेम्परेचर. ये एक और स्लाइड मैंने छोड़ी है, बोलो. मुझे लगा बहुत बड़ा लिखेंगे हम, इतने में हो गया. पूरा डिस्कशन क्लियर है? फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द वन पार्टिकल इन विच द चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन. तो एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना आया? माइनस टू एम वी एक्स. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पार्टिकल को टकराने में अगर डेल्टा टी टाइम लग रहा है राइट, तो उसके आगे जितने पार्टिकल है वो भी तो टकराएंगे वॉल के साथ जाके, उसमें से आधे इस तरफ भी जाएंगे राइट. सो डेल्टा टी टाइम में कितने पार्टिकल टकराएंगे जाके, दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन हियर. सो टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल वी हैव यूज नंबर डेंसिटी. सो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है? नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम.
डिवाइड बाय क्या करेंगे, टू, बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द पार्टिकल मूव्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन. समझ रहे हो शेडिंग एरिया क्या है? शेडेड एरिया वो है इसके अंदर के सारे पार्टिकल वॉल के साथ टकराएंगे. आई राइट इट हाफ ऑफ पार्टिकल इन दिस स्पेस विल कोलाइड विद द वॉल. ठीक है बेटा, ओके. तो टोटल कितना मोमेंटम मिला वॉल को? तो एक पार्टिकल का मोमेंटम इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल. नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा यहां से. चलो क्या किया, टू टू कट किया, डेल्टा टी डिवाइड कर दिया. मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है? फोर्स. एरिया डिवाइड कर दिया. फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर. तो आपको प्रेशर मिला एन एम वी एक्स स्क्वायर. वी एक्स तो खाली एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का. तो अगर आपको ओवरऑल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है देन यू कैन राइट वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. अब गैस को लिए कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है मोशन का, उनको जहां मन पड़े वहां जाएंगे. इसका मतलब ये वी एक्स वी वाई वी जेड दोनों तीनों कैसे होते हैं? सेम ही होते. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? थ्री वी एक्स स्क्वायर. सो वी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई थ्री. तो वी एक्स स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी स्क्वायर बाई थ्री. यू गॉट दिस? नेक्स्ट, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर किस तरह से रिलेट करना है? छोटा सा थियरी है, देख लो, इसके साथ रिलेट होता है वो. चलो टेम्परेचर कैसे रिलेट करना है, चेक इट आउट. सो हम यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने वाले हैं. एंड एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन, बेटा मर मत जाना खाली, हाँ जिंदा रहना सबके सब. ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सीन प्रेशर पी इक्वल टू ए. प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? 1/3 एन एम वी स्क्वायर. प्रेशर फॉर्मूला इज 1/3 एन एम वी स्क्वायर, राइट? तो व्हाट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम? पीवी विल बी इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर इनटू क्या करेंगे? वी. दोनों तरफ क्या किया हमने? वी मल्टीप्लाई किया. अब बताओ आइडियल गैस के लिए पीवी क्या होता है? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी. चलो अभी नहीं रखेंगे म्यू आर टी, थोड़ा रुको. ओके, व्हाट विल डू हियर? पीवी इज इक्वल टू, नाउ दिस टर्म, नंबर डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम. व्हाट डू मीन बाय नंबर डेंसिटी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह क्या रख देंगे हम? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एम इनटू वी स्क्वायर. हुआ ऐसा कुछ? ओके, चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यहां से. इन्होंने 2/3 कहां से ऐड कर दिया? ये प्रभु, ओके फाइन. सो नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू पुट हियर इज, थोड़ा सा यहां पे पार्टियां बिठाना है आपको. सो पीवी इक्वल टू एक टू यहां मल्टीप्लाई करेंगे और एक टू यहां पे डिवाइड करेंगे. कर सकते हैं ऐसे? क्यों किया ऐसे? बिकॉज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. ये एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है. इसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम टोटल काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? तो यहां पे ये जो टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. और ये एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. तो जैसे ही आप ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सैंपल. ये एक पार्टिकल का एनर्जी है. और ऐसे पार्टिकल कितने हैं? कैपिटल एन. मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द टोटल एनर्जी, राइट? तो यहां से आपको एक रिलेशन मिला दैट एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी. क्या रिलेशन मिला आपको? एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी, राइट? ओके, वेयर ए इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल. इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल, राइट? आगे देखते हैं. ओके, नाउ यहां पे हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे. नहीं, पीवी हमने लिखा था,
पीवी हमने लिखा था कैपिटल एन केबीटी, हमने लिखा था पीवी इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी। ब्रूम ब्रूम क्यों हो रहा है? लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन, लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां से एक और रिलेशन बन गया, एनर्जी ए इक्वल टू 3/2 एन केबीटी। चलो लेट्स डू वन थिंग, डिवाइड दिस विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैपिटल एन को यहां पे डिवाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट, ई बाय एन इक्वल टू 3/2 केबीटी। ए इज टोटल एनर्जी, एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सो कैन आई से दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट बिकम्स द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यस और नो? यस और नो? राइट। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल बिकम 3/2 केबीटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसके ऊपर यह आगे पूरा चैप्टर आपका चलने वाला है। ओके, सो दिस इज द एवरेज, और यू कैन राइट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 के बी टी। एक पार्टिकल का एनर्जी होता है 3/2 के बी टी, राइट। तो यहां से आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो गैस का एनर्जी है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। गैस का जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इफ आई रीड इट फ्रॉम हियर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ द आइडियल गैस। क्या दिख रहा है यहां पे आपको, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ गैस। यू गेट दिस? तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। वापस एक बार देखते हैं, स्टार्टेड विद द प्रेशर, जो भी फॉर्मूला डिराइव किया था 1/3 nmv², दोनों तरफ v मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। व्हाट यू गेट, पीवी इक्वल टू 1/3 nmv² × v, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन, नंबर पार्टिकल, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट बिकम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं यहां से, अगर आपको ऐसा याद नहीं रखना है ना, देन जस्ट सिंप्लीफाई दिस, ये आपके लिए इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। पी इक्वल टू 1/3, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, वी आ गया ऊपर, पीवी क्या हो जाएगा 1/3 nmv², राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये mv स्क्वायर हो रहा है, हाफ आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। करा 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई, ये एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया, इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, 3/2 पीवी। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, पीवी इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी। सो टोटल एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विल बिकम 3/2 केबीटी। मतलब पार्टिकल का जो एवरेज एनर्जी है वो किस सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज 3/2 केबीटी। तो एक पार्टिकल का एनर्जी होता है 3/2 केबीटी, और जब एक मोल हो जाता है ना, तब एनर्जी हो जाता है 3/2 RT। एक पार्टिकल का हो जाता है 3/2 केबीटी, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na। अगर आप Na मल्टीप्लाई करोगे तो Na इंटू केबी क्या होता है, R। तो ये किसका एनर्जी है, एक पार्टिकल का। अभी आगे इसके बारे में बहुत डिस्कशन आने वाला है, राइट। चलो लेट्स रीड इट फर्दर। ओके, फाइन। तो यहां पे आप देख लो, दो अलग अलग चीजें हैं, ये जो E बाय N है ना, E बाय N, दिस इज दी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट इज अबाउट दी इंडिविजुअल पार्टिकल्स एनर्जी। तो ये कैसा डोमेन हो गया यहां पे भी, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, और ये टेम्परेचर कैसा डोमेन होता है, मैक्रोस्कोपिक। और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
इन दोनों डोमेन को जोड़ने का काम कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक डोमेन को जोड़ रहा है। ओके चलो फर्दर, अब इसमें तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट लग रहा नहीं है। ओके नाउ व्हेन यू हैव द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस, जब बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है तो डाल्टन लॉ भी आपका अपने आप सेट हो जाएगा यहाँ पे, इफ यू सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखा आपने, एवरेज एनर्जी वॉज ओनली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल टी, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज माइक्रोस्कोपिक, कनेक्टेड बाय विच कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन द प्रेशर और वॉल्यूम। खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो आप बहुत बार यूज भी कर चुके हो कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन एनी अदर फैक्टर, और कोई फैक्टर पे डिपेंड करता नहीं है। चलो यहां से अगर आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया है, कंसिडर हियर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस वी कैन राइट टोटल प्रेशर इक्वल टू, पहले गैस का होगा 1/3 एन एम वी स्क्वायर, कॉल इट 111। दूसरे गैस का होगा 1/3 एन एम वी स्क्वायर, कॉल इट 222। तीसरे गैस का होगा 1/3 एन एम वी स्क्वायर, कॉल इट 333 एंड देन सो ऑन, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके चलो सबके अंदर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करेंगे, पार्टी आई बिठाना है आपको। सबके अंदर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड करेंगे, तो सब में से क्या आ जाएगा 2/3, आप बाहर निकाल लो, सब में से आप 2/3 को बाहर निकाल लो, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, जाने यहां पे, ये हो जाएगा N1, ये हाफ M1V1 स्क्वायर, हाफ M1V1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, एनर्जी E, हाफ M1V1 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एनर्जी E, लिख दे, चलो हाफ M1V1 स्क्वायर पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे के लिए N2 इंटू हाफ इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर, तीसरे के लिए N3 इंटू हाफ इंटू M3 इंटू V3 स्क्वायर एंड सो ऑन। चलो ये एक एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, क्या फॉर्मूला है एक एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का, अभी हमने बनाया था जस्ट कुछ सेकंड पहले, 3/2 KBD, ध्यान यहां पे। सो ये हो जाएगा N1 इंटू, दिस इज गोइंग टू बी 3/2 KBT। अब देखो मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर में टेम्परेचर तो सबका सेम ही रहता है, टेम्परेचर अलग अलग नहीं होता है, मिक्सचर है तो टेम्परेचर सबका कैसा रहता है, सेम रहता है। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे इसको, 3/2 KBT, तीसरे के लिए इसको क्या लिखेंगे, 3/2 KBT, ध्यान दो आगे, सब में से 3/2 कॉमन एंड कैंसल, बचेगा क्या आपका, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन, कॉमन क्या निकलेगा, KB इंटू T। तो ये तो क्या हो गया, बड़े प्यार से डाल्टन लॉ हो गया, क्या हो गया, ये डाल्टन लॉ हो गया, दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। राइट, इसका मतलब ये होता है कि जो काइनेटिक थियरी है ना, उसकी मदद से भी आप बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियोसैक लॉ, डाल्टन लॉ सब कुछ प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आपने यहां पे डाल्टन लॉ प्रूव किया बाय द काइनेटिक थियरी, तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है ना कि प्रूव द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय काइनेटिक थियरी, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, व्हाट इज इट, डाल्टन लॉ फ्रॉम काइनेटिक थियरी, यू हैव टू राइट दिस ओनली, गॉट इट, समझ आया यहां तक, क्या चल रहा है चैप्टर में, काइनेटिक थियरी। इसका मतलब हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को किसके साथ जोड़ रहे हैं, विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रो को जोड़ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक के साथ। राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, एक ही लाइन का ये टॉपिक, तुमको तो ना एक मिनट, तुम अगर बुक में ढूंढोगे ना तुमको मिलेगा भी नहीं है, टॉपिक का नाम है ग्रेहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन। अब मैं बहुत अच्छे से पता है कि अगर गैस छोड़ा जाए तो गैस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट,
अब कुछ गैसेस क्विकली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ गैसेस स्लोली स्लोली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऐसा कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मासेस, राइट। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे पहले बहुत डिटेल में टॉपिक था केमिस्ट्री में, अभी तो निकाल दिया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, और यू कैन राइट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, आइदर टेक मोलर मास और डेंसिटी। ये सिंपल सी बात है, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो धीरे धीरे फैलेगा, और जिसका मोलर मास कम होगा वो फटाफट फैलेगा। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर यूनिट टाइम, इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन यूनिट टाइम। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, ध्यान रखना। तो पूरा इक्वेशन बनेगा आपका, वॉल्यूम बाई टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/molar mass अंडर रूट में 1/√ ऑफ डेंसिटी, ध्यान रखना बेटा, एक एक मार्क के क्वेश्चन इसमें से आपको आ सकते हैं। इट्स कॉल्ड ग्राहम लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन, एक लाइन में दिया है टेक्स्ट बुक में। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यहां पे पेन डाउन करेंगे। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कल के टॉपिक में खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है कल भी। ओके, सी यू टुमारो। चले बच्चा, तो अगला थियरी जो हम करने वाले हैं वो थियरी है आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थियरी। और ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जितने भी पॉसिबल मोशन होते हैं वो हर एक पॉसिबल मोशन में इक्वल एनर्जी सेव होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 kbt। है क्या कहा सर? पॉसिबल मोशन हाफ के बी टी, क्या है ये सब? ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव डिराइव दिस इक्वेशन एट लास्ट, के एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 3/2 kbt। एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय व्हाट? 3/2 kbt। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पार्टिकल, हाउ कैन द पार्टिकल मूव? सो इट कैन मूव आइदर इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन। दैट मीन्स इट कैन हैव थ्री पॉसिबल ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, आइदर इन एक्स और इन वाई और इन जेड, राइट। हर एक पॉसिबल ट्रांसलेटरी मोशन के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्स डायरेक्शन में होगा 1/2 mvx², वाई डायरेक्शन में होगा 1/2 mvy² और जेड डायरेक्शन में होगा 1/2 mvz², हाँ के ना, राइट। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी दैट वॉज इक्वल टू 3/2 kbt, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट? 1/2 m × vx² प्लस 1/2 m × vy² प्लस 1/2 m × vz², राइट। क्यों ऐसा लिखा हमने? इसलिए लिखा कि फॉर मोनोएटॉमिक पार्टिकल, मोनो एटॉमिक पार्टिकल कैन हैव ट्रांसलेटरी मोशन, कैन हैव ट्रांसलेटरी मोशन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज एक्स डायरेक्शन की होगी 1/2 mvx², वाई डायरेक्शन की होगी 1/2 mvy², जेड डायरेक्शन की होगी 1/2 mvz², और हमने पहले डिराइव कर लिया था कि ये सारी एनर्जी मिला के कितना होता है? 3/2 kbt। सो कैन आई राइट दिस 3/2 kbt एज 1/2 kbt प्लस 1/2 kbt प्लस 1/2 kbt, तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 kbt। इसका मतलब क्या होता है? हर एक काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड कितना एनर्जी है? 1/2 kbt 1/2 kbt 1/2 kbt। मतलब जो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके रिलेटेड एनर्जी कितना? 1/2 kbt। जो वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके रिलेटेड भी एनर्जी कितना? 1/2 kbt। जो जेड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके रिलेटेड भी एनर्जी कितना? 1/2 kbt। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वली डिवाइडेड होगी बिटवीन ऑल द पॉसिबल मोशंस।
जो भी टोटल एनर्जी होगा वो हर एक पॉसिबल मोड या हर एक पॉसिबल मोशन में इक्वली डिवाइडेड होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. सी द स्टेटमेंट, इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल एनर्जी मोड्स. इन इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल एनर्जी मोड्स. यहां पे तीन एनर्जी मोड थे एक्स वाई जेड, तीनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी, राइट. विथ ईच मोड हैविंग, हर एक मोड को कितना एनर्जी मिलेगा, ईच मोड हैविंग एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू हाफ केबीटी. यू कैन सी देयर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. समझ आया स्टेटमेंट बेटा आपको, टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल एनर्जी मोड्स, राइट, एंड ईच मोड विल गेट द एनर्जी इक्वल टू हाफ के बी टी. अंडरस्टूड, समझ आया इतना, राइट. तो अब यहां पर आपको बेटा अलग अलग केसेस करने, ओके, यू कैन सी हियर, यहां पर आपका इतना इनफ है. यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे खाली, एंड योर स्टेटमेंट इज इक्वल टू ईच मोड ऑफ एनर्जी हैज हाफ के बी टी एनर्जी पर एटम और पर मॉलिक्यूल, राइट. चलिए आगे देखते हैं. मोशन ऑफ द बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, अगर मैं पूरा का पूरा आगे जा रहा हूं तो मेरी मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे. अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरी मोशन को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन. और अगर मैं ऐसे हो रहा हूं तो मेरी मोशन को क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन. एज सिंपल एज दैट, राइट. डज अ मोलिक्यूल फ्री टू मूव, इफ द मोलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन स्पेस, राइट, कितने ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है, थ्री. इफ वी हैव द थ्री ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है. सो इट विल हैव द थ्री ट्रांसलेटरी मोशन, राइट, ओके. ईच ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स अ टर्म दैट इज कंटेनिंग द स्क्वायर ऑफ सम वेरिएबल ऑफ मोशन. हर एक ट्रांसलेटरी मोशन में क्या एनर्जी था, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर. एंड इन इक्विलिब्रियम द एवरेज ऑफ ईच टर्म इज हाफ के बी टी. तो अब बेटा बात करते हैं कि अगर मोनो एटोमिक गैस, अगर अकेला एटम है, अकेला एटम क्या करेगा, घूमेगा, कहां घूमेगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा. तो अकेले एटम के पास खाली क्या होता है, इट विल हैव ओनली थ्री ट्रांसलेशनल मोड्स ऑफ मोशन, है ना, ठीक है बेटा. तो मोनो एटोमिक गैस के लिए, एक पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाउ मेनी मोड इट हैज, थ्री मोड्स, और हर एक मोड के पास कितना एनर्जी होता है, हाफ केबीटी. हर एक मोड के पास कितना एनर्जी होता है, हाफ केबीटी, दिखा ना आपने आगे. तो तीन मोड में कितना एनर्जी सेव हो जाएगा, थ्री बाई टू के बी टी, दैट इज पर एटम या पर मॉलिक्यूल. चलो अगर वहीं बेटा ये डायटोमिक है, अब डायटोमिक में क्या होगा, ध्यान से देखना. डायटोमिक में दो केस होते हैं, ठीक है, डायटोमिक में दो केस होते हैं. एक होता है डायटोमिक में रिजिड रोटेटर, हम पहले फर्स्ट केस कर रहे हैं डायटोमिक रिजिड रोटेटर. रिजिड रोटेटर का मतलब होता है, ध्यान से समझना, इट कैन बी N2 डायटोमिक, O2 डायटोमिक एट लो टेम्परेचर और एट नॉर्मल टेम्परेचर, राइट. तो यहां पे कौन कौन से मोड्स पॉसिबल होंगे, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है. तो ट्रांसलेशन तो यहां भी होने ही वाला है. तो वी हैव द थ्री ट्रांसलेशनल मोड्स ऑफ मोशन, ठीक है बेटा. और साथ में यहां पे आपको दो मिलेंगे रोटेशनल, यू विल गेट द टू रोटेशनल मोड,
टू रोटेशनल मोड्स. कौन कौन से बेटा रोटेशनल मोड्स, चलो बता देते हैं आपको. तो दो एटम्स, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास, राइट. तो दे कैन रोटेट लाइक दिस, दो एटम है ऐसे, दे कैन रोटेट लाइक दिस, राइट. और दे कैन रोटेट लाइक दिस इन अ वर्टिकल प्लेन, ऐसे दो एटम, एक यहां पर है एक यहां पर है. आइदर दे कैन रोटेट लाइक दिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दे कैन रोटेट लाइक दिस इन अ वर्टिकल प्लेन. आगे ना, समझे कि नहीं? सो आइदर दे रोटेट लाइक दिस और दे रोटेट लाइक दिस इन अ वर्टिकल प्लेन, राइट. तो दो और रोटेशनल भी ऐड हो गया. तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या क्या काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा आपके पास? तो टोटल एनर्जी में क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी वाई स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी जेड स्क्वायर प्लस काइनेटिक रोटेशन. याद है फॉर्मूला, हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर. तो टोटल कितने मोड हो गए एनर्जी के? पांच मोड हुए. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइव टाइम्स हाफ के बी टी. सो हियर द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय फाइव बाई टू के बी टी. आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या लिखा है बोर्ड पे? अगर यहीं पे बेटा रिजिड रोटेटर नहीं है तो क्या होगा? नॉट ए रिजिड रोटेटर, तो फिर ना वाइब्रेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा. क्योंकि अगर रिजिड रोटेटर नहीं है तो फिर क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, आपस में ऐसे वाइब्रेट भी करेंगे, वाइब्रेट करते करते आगे जाएंगे. अब वाइब्रेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है. वाइब्रेशन में काइनेटिक भी आती है और पोटेंशियल भी आती है. तो यहां पर देखो क्या होगा, तो यहां जो टोटल एनर्जी होगी ना उसमें क्या क्या आएगा बेटा? सो टोटल एनर्जी में आएगा एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन 10 डिग्री, राइट, एक्स वाई जेड. एनर्जी फॉर रोटेटरी दो आएगा, आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, आई टू ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां पे जुड़ेगा वाइब्रेशनली ईवी, राइट. और जो आपका ईवी है ना, दिस इज द वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी, इट इज द वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी. एंड दिस वाइब्रेशनल मोड कंटेन द एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के वाई स्क्वायर. ये अभी आप सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ऑसिलेशन में. तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन के अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी का भी मोड होता है और उसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का भी मोड होता है. मतलब वाइब्रेशन के अंदर ना दो मोड होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और दोनों मोड कितना एनर्जी सेव करते हैं, हाफ के बी टी हाफ के बी टी. तो एक वाइब्रेशन में टोटल कितना एनर्जी मिलता है आपको? पूरा वन के बी टी, हाफ के बी टी काइनेटिक की वजह से, हाफ के बी टी पोटेंशियल की वजह से. तो टोटल कितना मिलता है आपको? पूरा एक के बी टी मिलता है वाइब्रेशन का. समझ आई बात आपको? सो आई कैन राइट यंग, ओके, ईवी कंटेन बोथ काइनेटिक एज वेल एज दी पोटेंशियल मोड ऑफ एनर्जी. देयरफॉर ईच ईवी इज इक्वल टू टू इंटू हाफ के बी टी, दैट इज इक्वल टू फुल के बी टी. ठीक है, तो यहां पे आ जाओ. चलो इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? देयरफॉर दी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू ई टी प्लस ई आर प्लस ईवी. ई टी क्या होता है? थ्री इंटू हाफ के बी टी एक्स वाई जेड. रोटेशन में क्या होता है बेटा? टू इंटू हाफ के बी टी. रोटेशन में दो मोड आएंगे ना, और वाइब्रेशन में पूरा का पूरा क्या आएगा? के बी टी. वाइब्रेशनल मोड में पूरा का पूरा ही क्या आता है बोलना? के बी टी. जोड़ो सबको, कितना हो जाएगा ये? ठीक है, थ्री बाई टू प्लस वन प्लस वन, थ्री बाई टू प्लस टू, सेवन बाई टू. दैट्स गोइंग टू बी सेवन बाई टू के वी टी. टोटल एनर्जी इफ इट इज नॉट अ रिजिड रोटेटर.
अगर ये रिजिड रोटेटर नहीं है तो एनर्जी कितनी बनेगी, 7/2 kbt। सो बेटा इन जनरल लिखेंगे हम, इन जनरल वी कैन राइट, इन जनरल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इन जनरल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू F by 2 kbt. What is F? F is called degree of freedom. F kya hota hai? Degree of freedom, and that is equal to all the possible mode of energy store. Right? So बताइए मुझे मोनोएटॉमिक के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू कितना था, 3, ओनली एक्स वाई जेड. डायटोमिक में दो केस थे, एफ इक्वल टू 5 किसके लिए, फॉर रिजिड रोटेटर, एंड एफ इक्वल टू 7 किसके लिए, फॉर नॉट अ रिजिड रोटेटर. डायटोमिक अगर रिजिड रोटेटर है तो क्या आएगा, 5 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर रिजिड रोटेटर नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा बेटा, 7 आएगा. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस, इज इट क्लियर? तो व्हाट्स द आउटकम ऑफ थियरी, द आउटकम ऑफ थियरी इज ईच मोड ऑफ एनर्जी कंटेन्स 1/2 kbt एनर्जी, एंड द टोटल एनर्जी विल बी इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द पॉसिबल मोड्स ऑफ एनर्जी. टोटल जो भी एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द पॉसिबल मोड्स ऑफ एनर्जी. डू यू गेट दिस? क्लियर एकदम? आगे बढ़े, चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं. सी व्हाट इज रिटन हियर, ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1 square term, वाइल 1 vibrational mode कॉन्ट्रीब्यूट 2 square term. वाइब्रेशन के अंदर 2 square term आए थे ना, ये भी आया था और ये भी आया था वाइब्रेशन में. ट्रांसलेटरी में एक ही आता है, कहाँ गया, 1/2 mv2. रोटेशन में भी एक ही आता है, 1/2 ω2, बट वाइब्रेशन के अंदर 2 square term आते हैं आपके पास. ओके, ईच क्वाड्रेटिक टर्म अकरिंग इन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इज अ मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल. तो जहां जहां पे वो स्क्वायर था ना, 1/2 mv2, 1/2 ω2, दैट ऑल इंडिकेट द पॉसिबल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, राइट? Each translational and rotational degree of freedom of molecule contribute 1/2 kbt. While the vibration contains 2 × 1/2 kbt, that is equal to 4 kbt, since the vibrational mode has both kinetic as well as the potential energy modes. Clear यहां तक? Clear equipartition क्या होता है? Any doubt in this? आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही एक step पे आ जाता है आपका specific heats. चलो बहुत मस्त topic है ये, monoatomic gas. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट. वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सीवी वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, सो वी राइट हियर, फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट कैन ओनली हैव 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? कितना होता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओनली 3, क्योंकि अकेला एटम है क्या करेगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, और क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना आएगा, 3. सो एक पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ 1 atom कितना होगा, एक एटम का एनर्जी 3/2 kbt, F/2 = 3, राइट? ये एक पार्टिकल का. देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी विद 1 mole, देयरफॉर द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 mole, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 mole, तो उसको लिखेंगे डेल्टा यू, और 1 mole के लिए वैल्यू हो जाएगा 3/2. 1 mole के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, Na, 1 mole मतलब एवोगैड्रो नंबर. तो जैसे आप यहां पे Na मल्टीप्लाई करोगे, Kb × Na हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R. Kb × Na क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R. तो Kb × Na क्या हो जाएगा, R, और यहां क्या आ जाएगा, T.
right? So you can write here delta u by delta t, that's equal to 3 by 2 r. You can write it delta t also. What is delta u by delta t? Cv. युवराज सिंह याद है आपको? युवराज सिंह, यू मतलब सी वी एन एच मतलब सीपी, है ना? तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी क्या होता है? सीवी. तो इसके लिए सीवी वैल्यू कितना आ गया? 3R by 2. मोनो एटॉमिक के लिए सीवी वैल्यू कितना आ गया? 3R by 2. स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट? सीवी आ गया. सीपी कितना आएगा? तो यू द रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, आ गया ना? So can I write this Cp equal to Cv plus R? Again, what is Cv? 3R by 2 plus R. कितना हो जाएगा बेटा? 5R by 2. तो लो मोनो एटॉमिक के लिए Cp वैल्यू कितना आ गया? 5R by 2. Okay, what is the gamma? Gamma क्या होता है? Gamma. Cp by Cv. Cp क्या है? 5R by 2. Cv क्या है? 3R by 2. R by 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 by 3. So gamma is equal to 5 by 3. इसके लिए फॉर मोनोएटॉमिक. बेटा एसी बंद कर दो ना, घर पे जाके बीमार हो जाओ, बंद कर दो. क्लियर कैसे किया? चलो अब चलते डायएटॉमिक के लिए. अब डायएटॉमिक का वापस दो केस. सबसे पहले क्या करेंगे? रिजिड रोटेटर. बेटा बताओ, चलो रिजिड रोटेटर कितने मोड्स है पॉसिबल यहां पे? 3 ट्रांसलेटरी प्लस 2 रोटेटरी मोड्स ऑफ एनर्जी स्टोरिंग, राइट? ओके, चलो. तो टोटल एनर्जी एक पार्टिकल का कितना हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 2 5 बाय 2 केबीटी, क्योंकि यहां पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना है? 5. ये किसका हो गया? एक पार्टिकल का हो गया फॉर वन पार्टिकल. चलो तो वन मोल का कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा यू वन मोल का. क्या करेंगे? केबी की जगह आर कर देंगे और अब टी की जगह लिख सकते हो. ये कहां चला गया? हाँ, टी की जगह हम क्या लिख देंगे? सिंपली यहां पे डेल्टा टी. ये किसके लिए हो गया? फॉर वन मोल. चलो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी क्या होता है? सीवी. कितना बचा? 5R बाई 2. लो आ गया सीवी. कितना होगा? सीवी प्लस आर 5R बाई 2 प्लस आर 7R बाई 2. दैट्स द वैल्यू ऑफ सीपी 7R बाई 2. एग्री? एग्री? नाइस. रेशियो क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू 7 बाई 5. लो डन. अगर रिजिड रोटेटर नहीं है तो ओके कोई नहीं. इफ नॉट ए रिजिड रोटेटर तो फिर वाइब्रेशन भी लेना पड़ेगा आपको. चलो यहां पे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेटरी प्लस 2 रोटेटरी प्लस वाइब्रेशन में कितना होता है? 2 मोड होता है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल. 2 इंटू वाइब्रेटरी कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 7. तो एक पार्टिकल का एनर्जी क्या हो जाएगा? 7 बाई 2 केबीटी. तो एक मोल का एनर्जी क्या हो जाएगा? 7 बाई 2 आर टी. आपको सिमिलर वे में लिखना है, ठीक है? सो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी सी वी कितना आ गया यहां पे? लो चलो सीपी कितना हो जाएगा? प्लस आर कर दो. 7 बाई 2 आर प्लस आर 9 बाई 2 आर. गामा कितना हो जाएगा? सीपी बाई सीवी 9 बाई 7. बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड? इजी एकदम. चलो तो फॉर गैसेस वी कैन जनरलाइज. ओके, फॉर द पॉली एटॉमिक गैस, व्हाट हैपेंस फॉर द पॉली एटॉमिक गैस? अभी थोड़ा देखना ध्यान से. ओके, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी कितना रहता है? 3. अब अगर पॉलीएटॉमिक है ना बेटा, पॉलीएटॉमिक जैसे कि मीथेन हो गया, 4 एटम 5 एटम है टोटल, अमोनिया हो गया 5 एटम है, इसके अंदर भी वाटर गैसियस फॉर्म, चलो H2S ले लेते हैं,
तो ये सारे मल्टी एटम्स है, दो से ज्यादा एटम जुड़े हैं इसके अंदर, दे आर पॉली एटॉमिक, राइट, दे आर पॉली एटॉमिक, राइट, ओके, सो दे आर थ्री ट्रांसलेटरी। अब पॉली एटॉमिक में रोटेटरी तीन होती है, देर आर थ्री रोटेटरी। और वाइब्रेशनल आपको नहीं पता कितने मोड्स पॉसिबल है यहां पे, ओके, तो जितना भी वाइब्रेशनल मोड होगा हर एक मोड के लिए कितना एनर्जी बनेगा आपका, 2 × 1/2 kBT, क्योंकि वाइब्रेशन में दो मोड होते हैं, राइट, तो वाइब्रेशनल मोड जितना भी होगा, लेट मी राइट दिस इज एफ इज द वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी, एफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी, राइट, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपके पास, थ्री ट्रांसलेटरी, थ्री रोटेटरी प्लस एफ वाइब्रेटरी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपके पास 6 प्लस एफ, टेक्स्ट बुक लाओ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, टेक्स्ट बुक लाओ कोई, आगे बढ़ते, सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सुनो ध्यान से, चलो, सो वी राइट यम एनर्जी विथ वन मोलेक्यूल, एनर्जी विथ वन मोलेक्यूल, ध्यान देना बेटा, एक मोलेक्यूल का एनर्जी, ट्रांसलेटर कितने मोड है, तीन, और हर एक मोड में कितना एनर्जी होता है, 1/2 kBT, ये हो गया ट्रांसलेटरी, प्लस रोटेटरी कितना होता है, 3, हर एक मोड में कितना एनर्जी, 1/2 kBT, वाइब्रेटरी कितना, एफ, और वाइब्रेशन में हर एक मोड में कितना होता है, पूरा केबीटी होता है, हाफ आता नहीं है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया बेटा, 3/2 + 3/2, मतलब 3 प्लस एफ केबीटी, 3 प्लस एफ केबीटी, एक पार्टिकल का हो गया, एक मोल का कितना हो जाएगा, फॉर वन मोल जो भी एनर्जी होगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल टू 3 प्लस एफ, क्या हो जाएगा ये, आर टी, सो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, वट इज इट, सीवी, कितना हो गया, सीवी 3 प्लस एफ आर, तो पोली एटोमिक के लिए सीवी कितना होता है, 3 प्लस एफ आर, और वही पोली एटोमिक के लिए सीपी कितना आ जाएगा, सीवी प्लस आर, एक और आर जोड़ दो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस एफ, ये क्या वैल्यू हो गया आपका, सीपी, और ये पोली एटोमिक, गामा कितना होगा, सो गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, सीपी कितना है, 4 प्लस एफ, सीवी कितना है, 3 प्लस एफ, तो गामा इज इक्वल टू 4 प्लस एफ बाई 3 प्लस एफ, समझ आया यहां तक, इज इट क्लियर, सो कैन आई राइट दिस इन जनरलाइज फॉर्म, जो सॉलिड आ गया, सो अगर आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो यहां पर लिखे हम, तो जनरलाइज फॉर्म में आपको याद रखना है बेटा, फॉर गैस, खाली गैस के लिए हम, फॉर गैस वैल्यू ऑफ सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, वैल्यू ऑफ सी पी इक्वल टू एफ आर बाई टू प्लस एक और आर जोड़ देंगे हम इसके अंदर, कितना हो जाएगा, 1 प्लस एफ बाई टू आर, एंड गामा वैल्यू इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, दैट विल बी 1 प्लस 2 बाई एफ, गामा वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी बाई सीबी हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ, तो ये जनरल आपको याद रखना है, तो अगर मोनो एटोमिक है पुट एफ इक्वल टू 3, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, डाई एटोमिक है पुट एफ इक्वल टू 5, रिजिड रोटेटर नहीं है पुट एफ इक्वल टू 7, ओके, क्लियर, स्पेसिफिक हीट फाइंड किया हमने, चलो व्हाट अबाउट द सॉलिड, अब सॉलिड में क्या होता है बताओ, अब सॉलिड में पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, पहली बात तो, दूसरा पार्टिकल ऐसे घूम भी नहीं सकते सॉलिड में, तो सॉलिड में एक ही चीज पॉसिबल है, वाइब्रेशन, दे कैन वाइब्रेट अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हर एक वाइब्रेशन में कितना एनर्जी होता है, केबीटी, तीन पॉसिबल है वाइब्रेशन, तो तीन वाइब्रेशन मिला के कितना एनर्जी हो जाएगा, 3 × kBT, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, 3 RT, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, 3 R, क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट 3 R, सो वी सिंपली राइट यू, ओके, फॉर सॉलिड्स पार्टिकल्स
कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन राइट. ओके द वाइब्रेशन कैन बी अलोंग द वाइब्रेशन कैन बी अलोंग द एक्स वाई एज वेल एज जेड एक्सिस. ओके ईच वाइब्रेशनल मोड कंटेन हाउ मच एनर्जी केबीटी. Therefore, the total energy of the particle, तीन vibration possible, हर एक vibration में कितना energy kbt, तो total energy क्या हो जाएगा 3 into kbt. तो एक मोल का energy कितना हो जाएगा, energy of 1 मोल delta u 3 rt. सो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी क्या होता है स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू 3R. तो सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है 3R. सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होता है 3R होता है. आपने लास्ट चैप्टर में भी डिराइव किया था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 3R. थर्मोडायनेमिक भी था ये राइट. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. ओके लेट्स फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर. अब वॉटर क्या होता है H2O. अब यहां पर भी ना पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इधर भी ट्रांसलेशन नहीं होता है, रोटेशन भी नहीं होता है, खाली एक ही पॉसिबिलिटी है यहां पर वाइब्रेशन. सो वी एज्यूम हियर दैट ईच पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड के एक पार्टिकल के पास कितना एनर्जी था 3 kbt. सॉलिड में एक पार्टिकल के पास कितना एनर्जी था 3 kbt. तो यहां पे एक के पास कितना है 3 kbt, इसके पास भी 3 kbt, इसके पास भी 3 kbt, कितना हो गया कुल मिला के 9 kbt. तो एक मोल का कितना हो गया 9 rt. तो स्पेसिफिक हीट कितना हो गया 9R. खत्म. ओके सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, ओके ट्रीटिंग एटम्स ऑफ वॉटर as a particle of solid. Okay, we have seen that in solid each particle possess 3 kbt energy. Therefore the water molecule contains 3 atoms. Therefore, the energy of each water molecule, energy of each water molecule कितना हो जाएगा 3 times 3 kbt. That is going to be, so 1 mole, for 1 mole your value of delta u will become 9. So delta u by delta t 9R. That's the specific heat of the water, molar heat. So पानी का molar heat कितना होता है 9R होता है. Understood? तो आप यहां पर सिंपली याद रख सकते हो दिस ऑल पार्टिकल्स विल पजेस एनर्जी इक्वल टू 3 kbt. ऑल्सो पजेस 3 kbt राइट. तो यहां पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो जाता है दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, सॉलिड्स एंड देन वॉटर. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके लेट्स सी बेटा मेन फ्री पाथ. अब हमें इतना पता है कि गैस के अंदर ना पार्टिकल इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडमली. हमने ये भी देखा था कि पार्टिकल घूमते घूमते एक दूसरे के साथ टकराएंगे राइट.
और दो टक्कर के बीच में पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। फिर जब टकराएंगे तब डायरेक्शन बदलेंगे, जब तक टकराएंगे नहीं तब तक तो सीधे 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 चलते रहेंगे, यस और नो? तो दो टक्कर के बीच में पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, दो टक्कर के बीच में पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर जाएगा उसे क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। मतलब उतने टाइम तक पार्टिकल फ्रीली मूव हुआ और फिर टकरा गया जाके और डायरेक्शन बदल गया। ऐसे कि मैं गैस पार्टिकल हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं यहां पर टकराया, मैंने डायरेक्शन चेंज किया, मैं फ्रीली जा रहा हूं अभी, मैं वापस यहां पर टकराया, तो ये दो टक्कर के बीच में मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो दो टक्कर के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना बेटा, उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर क्या है मीन फ्री पाथ? सो मीन फ्री पाथ, लेट्स रीड दिस। सो मॉलिक्यूल इन अ गैस विल हैव द फाइनाइट, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, राइट? सो लेट्स सी, मॉलिक्यूल इन अ गैस विल हैव द फाइनाइट, दो स्मॉल साइज, कुछ तो साइज होगी ना, कुछ तो होगी, ओके। सो दे आर बाउंड टू अंडरगो कोलिशन, पार्टिकल्स विल अंडरगोस कोलिशन, एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट मूव स्ट्रेट अनहिंडर्ड, देयर पार्ट्स कीप गेटिंग इंसेसेंटली डिफ्लेक्टेड। मतलब टकराएंगे ना, टकराएंगे तो इधर जाएंगे, फिर टकराएंगे इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो टक्कर 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 होती रहेगी, राइट? ओके, लेट्स डिराइव द फॉर्मूला। सपोज दैट वी आर अज्यूमिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर द स्फीयर ऑफ डायमीटर डी। आप यहां पे देखो ध्यान से, ये रहा है गैस का मॉलिक्यूल, उसका डायमीटर कितना है, डी है, कितना डायमीटर है उसका, डी, राइट? ओके, फोकस ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल विच हैज द एवरेज स्पीड ऑफ वी, इट विल सफर द कोलिशन विथ एनी मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, दिस पार्टिकल विल सफर द कोलिशन विथ एनी मॉलिक्यूल दैट कम्स विद इन अ डिस्टेंस डी बिटवीन द सेंटर्स। हे, व्हाट डज इट मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, एक ये पार्टिकल है आपका, राइट? उसका डायमीटर कितना है, डी है, ठीक है? एक और पार्टिकल है सेम साइज का, सपोज उसका सेंटर यहां पर है, राइट? तो ये हो गया वो मॉलिक्यूल। अब ये जब यहां से पास होगा ना विद द वेलोसिटी वी, ये इसके साथ नहीं टकराएगा, क्योंकि इसका सेंटर इसके सेंटर से डी से भी ज्यादा डिस्टेंस पे दूर है, राइट? ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, डी बाई टू, और ये कितना डिस्टेंस होगा, डी बाई टू। तो यहां पर दोनों के सेंटर के बीच में ना थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये टकराने वाला नहीं है। बट कंसिडर अगर कोई और पार्टिकल है जिसका सेंटर जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पर है, तो ये हो गया वो पूरा मॉलिक्यूल, कितना हो गया ये डिस्टेंस, डी बाई टू। अब ये जैसे यहां से पास होगा ना इसके साथ टकरा जाएगा, इसके साथ टकराने वाला नहीं है, यू अंडरस्टैंड, यस और नो? ओके, तो क्लोज टू क्लोज टकराने वाला डिस्टेंस क्या होगा? ओके, सपोज मॉलिक्यूल ऐसे है, तो ये जब यहां से जाएगा ना इसको स्लाइटली टच करके जाएगा, यस और नो? तो इसका सेंटर का यहां से डिस्टेंस क्या हो गया, डी बाई टू, और यहां से ये भी कितना है, डी बाई टू। मतलब दोनों के सेंटर के बीच में अगर डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, डी। अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी या उससे कम है तो उनके बीच में टक्कर होगी, अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी से ज्यादा है तो फिर टक्कर होने वाली नहीं है। आई बात समझ में, आई बात समझ में? तो मैं ऐसा कह लूं कि ये वाला ना पूरा एक ट्यूब बनेगा इस तरह से, ये ऊपर कितना, नीचे कितना डिस्टेंस डी, और ऊपर भी कितना डिस्टेंस डी, ये पूरे ट्यूब के अंदर अगर किसी भी पार्टिकल का सेंटर आया ना तो वो इसके साथ टकराएगा, और अगर पार्टिकल का सेंटर इस ट्यूब के बाहर है तो उसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टिकल का सेंटर इस पूरे ट्यूब के अंदर आया, ट्यूब का रेडियस कितना हो जाएगा, डी,
ये ट्यूब का आपका रेडियस कितना है बेटा, डी है। दिस रेडियस इज इक्वल टू डी, देखो ये कितना हो गया, पूरा डी हो गया, ऊपर भी क्या होगा डी। तो ये ट्यूब का रेडियस क्या बनेगा आपका, दिस रेडियस इज गोइंग टू बी डी। अंडरस्टूड? लेट मी ड्रॉ इट वन मोर टाइम, लेट मेक इट वेरी क्लियर नाउ। समझना वापस, ये पार्टिकल है, डिस्कार्ड हो जाता तो अभी तुमको मजा आ जाता ना डिस्कार्ड। ओके तुमको मजा देगा नहीं हम भाई। ओके सी दिस, ये पार्टिकल राइट, ये कितना डिस्टेंस डी बाई टू। ओके ये इधर से पास हो रहा है पूरा, क्लोज टू क्लोज दिस पार्टिकल अगर यहां पे होगा तो इसके साथ टकराएगा। ये उसका सेंटर कितना डिस्टेंस हुआ, डी बाई टू। इसका सेंटर कितना डिस्टेंस हुआ, डी बाई टू राइट। सो कैन आई से ये डिस्टेंस कितना डी बाई टू, ये भी कितना डिस्टेंस डी बाई टू। सो आई कैन से लाइक दिस कि ये पूरा का पूरा एक ट्यूब बना, इस ट्यूब के अंदर अगर किसी का भी सेंटर आया ना तो वो इसके साथ टकराएगा, और अगर पार्टिकल का सेंटर इस ट्यूब के बाहर होगा तो इसके साथ नहीं टकराएगा। जैसे ही पार्टिकल का सेंटर इस ट्यूब के अंदर आएगा वो इसके साथ टकरा जाएगा। यस और नो? राइट। तो ये जो ट्यूब बना उस ट्यूब का रेडियस क्या बना बेटा, देखो डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ट्यूब का रेडियस क्या बना, डी। आई बात समझ में? तो इस ट्यूब का वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उसका डी है। वॉल्यूम क्या होगा, पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ। लेंथ क्या होगा बेटा, लेंथ होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, अच्छा लेंथ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी क्या होता है, पार्टिकल बाई वॉल्यूम, तो पार्टिकल इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा एन इंटू पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी राइट। तो यूनिट टाइम में कितना कोल्यूशन होगा, क्योंकि जितने पार्टिकल होंगे उतना कोल्यूशन होने वाला है। इतने पार्टिकल है इस ट्यूब के अंदर, इतने पार्टिकल है तो इतनी बार ये पार्टिकल टकराएगा, जितने पार्टिकल होंगे उतनी बार टकराएगा। तो ये ट्यूब के अंदर कितने पार्टिकल है, इतने पार्टिकल हो तो इतनी बार ये टक्कर मारने वाला है। तो यूनिट टाइम में कितने टक्कर होंगे, कोल्यूशन इन यूनिट टाइम, कोल्यूशन इन यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टाइम। तो यूनिट टाइम में कितना कोल्यूशन होगा, एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी, दिस इज द नंबर ऑफ कोल्यूशन पर यूनिट टाइम। यू गेट दिस राइट। सो दो कंसेक्यूटिव कोल्यूशन के बीच में कितना टाइम लगेगा, विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टॉक कहेंगे उसको हम, दैट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, समझ जाना आप कोल्यूशन, ठीक है बेटा। दैट इज इक्वल टू, आप देखो यूनिट टाइम में इतने कोल्यूशन हुए तो दो कोल्यूशन के बीच में कितना टाइम हो जाएगा, वन डिवाइड बाई एन पाई डी स्क्वायर बाई वी। अगर मैं ऐसा कहूं कि एक सेकंड में पांच कोल्यूशन हुए तो एक कोल्यूशन में कितना टाइम लगा होगा, वन बाई फाइव, है ना। तो अगर यूनिट टाइम में इतने कोल्यूशन हुए तो एक कोल्यूशन में कितना टाइम लग गया, वन बाई पार्टिकल कर दो, इतना टाइम लगा, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इतने टाइम तक पार्टिकल आराम से मूव किया फिर टकरा गया, गॉट इट। आगे, सो व्हाट इज द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मतलब इतने टाइम में वो कितना फ्रीली आगे बढ़ जाएगा। मीन फ्री पाथ एल लिखेंगे उसको। सो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वी, और कितने टाइम तक वो फ्रीली मूव कर सकता है, टी। क्या हो जाएगा ये v इंटू टी, टी क्या है, वन अपन एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी, वी वी कैंसल। सो मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू वन अपन एन पाई डी स्क्वायर। एंड एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के अंदर ना एक्चुअल में हर एक पार्टिकल मोशन में होता है। अभी हमने क्या अज्यूम किया है, खाली ये अकेला मूव कर रहा है, बाकी सारे स्टेशनरी, ऐसा थोड़ी होता है, सबको ही मूव करेंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ता है, एंड व्हेन यू टेक द रिलेटिव वेलोसिटी आपको नीचे रूट टू डाल देना है, बस कोई प्रूव नहीं करना है। सो टेकिंग द रिलेटिव वेलोसिटीज, मोर एक्यूरेट रिजल्ट इज ऑब्टेन टेकिंग द रिलेटिव वेलोसिटीज, यू विल गेट द मोर एक्यूरेट रिजल्ट विच इज इक्वल टू वन अपन रूट टू एन पाई डी स्क्वायर।
रूट टू एन पाई डी स्क्वायर एंड दैट्स योर मेन फ्री पाथ। समझ आ गया पूरा डिस्कशन? समझ आ गया पूरा डिस्कशन? इज इट क्लियर? यहां पे स्टेप क्लियर। वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू डी। डी क्या है? पार्टिकल का डायामीटर है, बट वो सिलेंडर का क्या बन जाएगा? रेडियस, क्योंकि उतने रेडियस के पाइप के अंदर, उतने रेडियस के सिलेंडर में किसी का भी सेंटर है तो सबको टकरा जाएगा, जान रहे हैं राइट? ओके, दैट्स अ वॉल्यूम। लेंथ की जगह क्या रखेंगे? वी इंटू टी। ओके, इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? एन इंटू वी। जितने पार्टिकल उतनी टक्कर, तो यूनिट टाइम में कितनी टक्कर हो जाएगी? डिवाइड बाई टी कर दें तो एक एक सेकंड में इतने कोलिजन हुए, तो एक कोलिजन में कितना टाइम लग गया? इसको इन्वर्स कर दूं, इतने टाइम में पार्टिकल कितना मूव कर गया? वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर। यू हैव टू टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देन द फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू n पाई डी स्क्वायर। सो वी कैन मेंशन इट हियर। ओके, इसके अंदर लिखेंगे ऑल पार्टिकल्स having center in this tube of radius d will collide, right? ये capital N क्या है? मेरे को ये rough करना था but मैंने free ही कर लिया, मतलब fair कर लिया। number of particles, राइट? रफ करना था बट मैंने फेयर ही कर लिया, फेयर ही होगा। चलो देख लो इसने क्या लिखा। सो इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम इट विल स्वीप द वॉल्यूम ऑफ पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ये रहा वॉल्यूम ऑफ पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेल्टा टी, वेर इन एनी अदर मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद इट। तो इतने वॉल्यूम में जितने पार्टिकल होंगे सारे के सारे उसके साथ टकरा जाएंगे। अंडरस्टूड? If n is the number density, the molecule suffers this many collision in delta t time. Here, yeah, number of collision in delta t time, n pi d square v delta t, and then the further calculation जो हमने यहाँ पे किया हुआ है. Clear एकदम? Clear एकदम? Any doubt? Okay, इसका एक और form आपको बता देता हूँ मैं. Finally, आपको last में लिखना है ना? Right at last. So mean free path is equal to 1 upon root 2 1 upon root 2 n pi d square। अब कई बार ना क्वेश्चन होता है इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वी हैव अ सिंपल रिलेशन, प्रेशर p इक्वल टू स्मॉल n kbt। रिलेशन हमने बनाया हुआ है इस चैप्टर में, तो आप n की जगह क्या डाल सकते हो? p डिवाइड बाई kbt। इफ यू पुट इट हियर, 1 upon root 2 n की जगह पे क्या हो जाएगा? p डिवाइड बाई kbt ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर। तो ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है? ओके, राइट एट लास्ट। यहां से फिर इधर आना है आपको, फाइनली लास्ट में लिखना है। जब क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर दिखे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दो, केबीटी डिवाइड बाई रूट टू पाई पी पाई डी स्क्वायर। बस एक बार पार्टिकल की वेलोसिटी वी, राइट? उसका सेंटर और किसी और पार्टिकल के सेंटर के बीच में अगर डी डिस्टेंस हुआ तो वो आपस में टकरा जाएंगे। उसका सेंटर और दूसरे पार्टिकल के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ डी, तो वो टकरा जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी रेडियस का एक सिलिंड्रिकल रीजन बनेगा, उसके अंदर आने वाले हर एक पार्टिकल इसके साथ टकराएंगे। तो डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम बनेगा? इज पाई डी स्क्वायर इंटू वी डेल्टा टी। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? स्मॉल एन मल्टीप्लाई करो, जितने पार्टिकल उतनी कोलिशन, राइट? ओके, तो नंबर ऑफ कोलिशन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डिवाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट? एन पाई डी स्क्वायर इनटू वी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके, आगे एक कोलिशन के बीच में टाइम क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इनवर्स कर दो इसको। और इतने टाइम में पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी। ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ। एक्चुअल में आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेना होता है, और रिलेटिव वेलोसिटी लोगे तो नीचे क्या हो जाएगा? रूट टू। तो यहाँ पे काइनेटिक थियरी ऑफ द गैसेस, ये सारे थियरीज होते हैं कंप्लीट। इंपॉर्टेंट थियरी की बात करें अगर, सो प्रेशर का फॉर्मूला डेरिवेशन,
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थियरी चलेगी, सो सो थियरी, आता भी है नहीं भी आता ऐसा थियरी। ओके दैट्स इट फॉर द चैप्टर, मिलेंगे वापस अगले क्लास में जहां पे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, बाय बाय।